नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ मपारा एक्यूरेट साइंटिफिक से एक प्रोडक्ट का डेमो कर रहा हूं। मैं यह है हमारे सामने बड़ी एक्सिस ब्रांड का बैलेंस है, 200 ग्राम कैपेसिटी है और 0.0001 ग्राम इसका एक्यूरेसी है। साथ में डेंसिटी किट लगेगा, तो हम किसी भी लिक्विड का डेंसिटी डायरेक्टली इसमें चेक करने वाले हैं। अभी ये सिर्फ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसके बाद हमें पैन लगाएंगे। तो प्लीज मैं राहिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा पैन लगाएं। जी बिल्कुल रेडी है हम लोग इसका डेमो करने के लिए। सबसे पहले हम लोग बैलेंस को वाटर लेवल मिलाएंगे, जो पीछे की साइड में है, एयर बबल जिसको हम बोलेंगे, पानी का बुलबुला। आगे दिए गए नीचे दो इसके लेग्स है, उसको घुमा करके हम सेट करेंगे। पूरा सेट करके रखा हुआ है फिलहाल आपके सामने। आपकी आसानी के लिए इतनी आसान भाषा में मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। तो दोस्तों अब शुरू करते, आहिस्ता से इसका पैन लगाएंगे हमारे इंजीनियर राहिल भाई। राहिल भाई प्लीज पैन लगाइए पहले, ये जाएगा। हाँ देखिए कितनी आसानी से और कितने प्यार से इसको रख रहे हैं, ऐसे ही रखना है और घुमाना है फिर इसको हल्के से ताकि फ्री हो जाए। घुमा दो थोड़ा, घुमा दो, चलेगा? ओके ठीक है। उसके बाद इसका पेन लगेगा ऊपर। यस ये पेन लगेगा जी। अभी ये रेडी है वजन करने के लिए। अगर आपको यदि वजन करने के लिए यूज करना है तो वजन करने के लिए रेडी है, मगर हम यहां पर डेंसिटी चेक करने के लिए इसको चला रहे हैं। तो अब इस पर आएगा उसका यस डेंसिटी किट का एक पार्ट लगेगा ऊपर, लगाइए। देखिए डेंसिटी किट का पार्ट लग रहा है, बड़े सुकून से रखना है उसको। यस उसके बाद एक ये इसका टीपाई आएगा, टीपाई लगेगा जिससे वो टच ना कर जाए, वेरिएशन ना आए। इसीलिए बड़ा सेंसिटिव बैलेंस है और बड़ा ही उम्दा प्रोडक्ट का ये बैलेंस, पोलैंड में बना हुआ एक्सिस ब्रांड का बेहतरीन एक्यूरेट बैलेंस है और मैं खुद भी एक्यूरेट साइंटिफिक से हूँ दोस्तों। और ये हम रेडी हैं, अब ये राहिल भाई स्टार्ट करेंगे बैलेंस को। बैलेंस स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिए, आप वीडियो में देख सकते होंगे लाइट हुई है। ये देखिएगा, आप देख सकते होंगे जीरो जीरो आने पर इसको एंटर करेंगे हम और टैर कर लेंगे एक बार ताकि बिल्कुल इत्मीनान हो जाए। सारी कीस आपको दिख रही है, सुंदर टच की है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है ये, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लेता है जरूर से, वार्म अप टाइम चाहिए। हम टैर करेंगे, जीरो आ जाएगा। ये हम डिस्प्ले देख रहे हैं, इस पर ये जीरो ब्लिंकिंग हो रहा है, डिस्प्ले आपको जीरो जीरो दिख रहा है। टायर दबा देना है, एसी चालू है तो हवा यहां से घुसती है इसलिए प्लस माइनस दिखेगा वो, इसलिए हम इसको टायर करके जीरो करेंगे। ये जीरो जीरो है। अब हम चलेंगे उस पर, वेट रखेंगे जो पहले रखा था वैसा ही। बड़े आहिस्ता से रखना है, उसके बाद ये टीपाई आ जाएगी अगेन। आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब हम चलेंगे, इसको टेयर कर देंगे, यानी जीरो जीरो हो गया। आप देख सकते हैं फिर से ये जीरो जीरो है जी। दोस्तों रेडी है डेंसिटी के लिए, प्रोसेस में चलेंगे आगे। यहाँ कीबोर्ड है आपके पास, आपको F2 दबाना है। F2 दबाओगे तो यहाँ एक सिंबल आएगा, वो आपसे कुछ मांग रहा है कि भाई कीट रखो। कीट हमने रख दी है तो हम एंटर कर देंगे, ओके, और टेयर कर देंगे। अब इसने हमारे पास मांगा है प्लंजर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्लंजर है, ये प्लंजर मांग रहा है। यहां देखो आपको निशान भी दिखेगी बीच में, ब्लिंकिंग हो रहा है,
तो हम ये प्लंजर ले रहे, प्लंजर आ गया है, प्लंजर रख दिया है हमने। अब एंटर दे देंगे, इसका वजन भी एंटर हो गया, अंदर 0-0 हो गया। अब F2 वापस दबाएंगे, प्लंजर ले लिया है, हम इसको कर देंगे एंटर, ये एंटर हो गया। अब देखिए अंदर वो पानी मांग रहा है बीकर में, तो अभी हम बीकर एम्प्टी है इसको रखेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे, ऊपर से पॉर करेंगे। मान लो कोई लिक्विड ही है हमारे पास, सिर्फ प्लंजर अंदर डीप हो उतना ही डालना है, या पहले से हम उतना नाप निकाल ले और उतना ही रखे। आप देख सकते हैं बीकर में कितना पानी है, थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सेस हो गया है। आपको ये आइडिया ले लेना है और पहले से ही बीकर के अंदर अपना लिक्विड रखना है, ताकि हम बीकर को पहले से जमा दे उसके बाद प्लंजर रखे। अब हम एंटर कर देंगे इसको, ये हमारा रिजल्ट आ गया 9.45434। ये हमारी डेंसिटी है, आपका जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी हो जाएगी। अब पूरा का पूरा आपको देखना है कैसे क्या है, तो F2 दबाएंगे हम, हमको एंटर डालना है। एंटर डालोगे तो सारी चीजें आपको दिख जाएगी यहां पर, मास इन टाइम लिक्विड, मास इन द एयर लिक्विड डेंसिटी, ये दिख रही है मेरी उंगली, आप देख रहे होंगे 9.4543 ग्राम्स। नीचे भी आपको दिख ही गया होगा उसका डेंसिटी विथ कॉम लिखा हुआ है, ये आपका रिजल्ट आ गया। बढ़िया आसान तरीके से ये इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, इतना है डेलिकेट है, बड़ा ही सुकून से करना है काम, एक बार आप कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।